वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। आतंकी धमकियों के बीच में भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधान भवन प्रांगण में फहराएंगे तिरंगा। खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा समर्थित आतंकियों के साथ ही प्रतिबंधित सिख संगठन की धमकी के बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आज विधान भवन प्रांगण में ध्वजारोहण करेंगे। आतंकी संगठनों ने स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में सीरियल ब्लास्ट की धमकी दी है। इसके साथ ही सिख संगठन ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधी धमकी दी है। इन सबके बीच में देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को उत्तर प्रदेश में बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यूपी में अब कम पढ़े लिखे युवाओं को मिलेगा रोजगार, आईटीआई तकनीकी शिक्षा के विकास के साथ चलाएगा अभियान। कम पढ़े लिखे युवाओं को तकनीकी शिक्षा देकर अपने पैरों पर खड़े करने वाले आईटीआई में प्रवेश के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। 16 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाले अभियान में सूबे के सभी 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अलावा 2,969 निजी संस्थानों को जोड़ा जाएगा। 28 अगस्त को प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही संस्थानों की ट्रेड को नए सिरे से तैयार करने की तैयारी शुरू हो गई है। 1500 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जल्द मिलेगा मुफ्त टैबलेट। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों को निशुल्क टैबलेट दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को 25 अगस्त तक शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र व फोटो कैंट स्थित उपनिदेशक समाज कल्याण कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। टैबलेट मिलने से पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आसानी होगी। 5 लाख के मुफ्त इलाज और 2 लाख के दुर्घटना बीमा के पात्र बने समाचार पत्र वितरक। प्रमाण पत्र वितरित करते हुए उप श्रमायुक्त अमित कुमार मिश्रा ने कहा कि निर्माण श्रमिकों को छोड़कर समाचार पत्र वितरकों सहित 45 प्रकार के नियोजन में कार्य करने वाले श्रमिकों का पंजीयन हो रहा है, जिसमें श्रमिक द्वारा एक बार 60 रूपए जमा कराकर अपना पंजीयन कराया जा सकता है। बताया कि वर्तमान में बोर्ड के द्वारा 2 योजनाएं संचालित हैं। इनमें पहली योजना मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसके अंतर्गत पंजीकृत कामगारों और उनके परिजनों को 5 लाख तक के कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी। दूसरी योजना मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है। उच्च शिक्षा का सपना साकार करेगी यूपी सरकार। कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों का हो रहा सर्वे। कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों की उच्च शिक्षा का सपना यूपी सरकार साकार करेगी, इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। वाराणसी में भी ये सर्वे शुरू हो गया है। कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, देखरेख, पढ़ाई की मुकम्मल व्यवस्था करने के साथ ही अब सरकार 18 से 23 साल के छात्रों के उच्च शिक्षा ग्रहण करने के सपने को साकार करेगी। यूपी में मुहर्रम पर नहीं निकाल सकेंगे ताजिया जुलूस, योगी सरकार ने लगाई रोक। योगी सरकार ने यूपी में कोरोना महामारी संक्रमण के चलते मुहर्रम पर जुलूस ताजिया निकालने पर रोक लगा दी। इसको लेकर जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए। जुलूस निकालने पर रोक लगाते हुए जारी आदेश में कहा गया कि धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए। यात्रियों के लिए अच्छी खबर, रेलवे इन 19 जोड़ी स्पेशल ट्रेन में यात्रा के लिए जारी करेगी एमएसटी। रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर अब रेलवे ने स्पेशल ट्रेन के संचालन के साथ मासिक सीजन टिकट की सुविधा प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सक्षम अधिकारी की ओर से 19 जोड़ी स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को मासिक सीजन टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। 16 अगस्त से यूपी की जेल में बंदियों से शुरू होगी मुलाकात, रहेंगी ये शर्तें। पिछले 16 महीने से अपनों से मिलने के लिए तरस रहे बंदियों के लिए राहत भरी खबर है। जेल में बंदियों से उनके परिजन अब मुलाकात कर सकेंगे। 16 अगस्त से प्रदेश भर के सभी जेल में मुलाकात को शासन ने हरी झंडी दे दी है। हालांकि कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करना होगा। शुक्रवार को शासन ने जेल में मुलाकात किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें से 16 अगस्त से मुलाकात करना आदेश दिए गए हैं। महामारी के चलते पहले लॉकडाउन में 19 मार्च 2020 को प्रदेश भर के सभी जेल में मुलाकात बंद कर दी गई थी। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती के खिलाफ याचिका, योगी सरकार को 1 सप्ताह में देना होगा जवाब। यूपी के सभी जिलों में चल रही पंचायत सहायक लेखा सह डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की भर्ती के लिए 25 जुलाई को जारी शासनादेश की वैधता को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने याचिका पर सरकारी अधिवक्ता से 1 सप्ताह में जानकारी मांगी है। ये आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने जौनपुर के देवी प्रसाद शुक्ल की याचिका पर दिया। याचिका में मांग की गई कि 6,000 रूपए प्रतिमाह मानदेय पर पिछले 15 साल से समान पद पर कार्यरत 37,000 ग्राम रोजगार सेवकों को समायोजित किया जाए या पंचायत सहायक भर्ती में आयु सीमा में छूट के साथ कार्य अनुभव को वरीयता देकर चयनित कर नियुक्ति की जाए।
5,900 एकड़ का तैयार होगा लैंड बैंक, 5,000 को मिलेगी नौकरी। यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अलावा राज्य के बाकी हिस्सों में उद्योगों का जाल बिछाने के लिए यूपी सीरा ने बड़ी योजना तैयार की है। मेगा प्रोजेक्ट के लिए उद्यमियों को आसानी से जमीन दिलाने के लिए अगले 3 सालों में 5,900 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। इतनी जमीन पर आधा दर्जन मेगा प्रोजेक्ट लाने की तैयारी है। इसके लग जाने पर 5,000 लोगों के रोजगार का इंतजाम भी हो जाएगा। कानपुर में रिक्शा चालक की पिटाई के मामले पर सियासत तेज, सामने आई ओवैसी और अखिलेश की प्रतिक्रिया। अल्पसंख्यक समुदाय के रिक्शा चालक के साथ हुई मारपीट के मामले की आंच अब लखनऊ की सियासत तक पहुंच गई। जहां एक ओर इंटरनेट मीडिया पर तरह तरह के बयान आ रहे हैं, वहीं इस पर सियासत शुरू हो गई। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस घटना की निंदा की है। यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे, प्रियंका गांधी करेगी सीएम के चेहरे का ऐलान। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने शनिवार यहां पर साफ किया कि कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव सीएम चेहरे के साथ पूरी ताकत से लड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी सीएम के चेहरे से ऊपर हैं और समय आने पर कांग्रेस के सीएम दावेदार का ऐलान वही करेंगी। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के लिए काम शुरू कर दिया, ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस किसी से चुनावी गठबंधन नहीं करने जा रही। अखिलेश यादव ने फिर केंद्र पर साधा निशाना, बोले सरकारी संपत्तियों को बेचकर देश को कंगाल बना रही भाजपा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी ईमानदारी से व्यापारियों का साथ निभाएगी। भाजपा सरकारी संपत्तियों को बेचकर देश को कंगाल बनाने पर तुली है। चंद पूंजीपतियों के लाभ लेने के लिए भाजपा देशवासियों को धोखा दे रही है। व्यापारियों की सुरक्षा और मान सम्मान सपा सरकार में ही सुरक्षित है। अखिलेश ने शनिवार को प्रदेश के प्रमुख व्यापारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता में आते ही भाजपा ने अपना विकास किया है। यूपी के जिले को दिसंबर तक मिल जाएगा हाईटेक बस अड्डा, नेपाल व बिहार के लिए शुरू होगी बस सेवाएं। दिसंबर के अंत तक कुशीनगर जिले को नया हाईटेक बस अड्डा मिल जाएगा। कसियानगर में 4.44 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो जाने के साथ साथ बस अड्डे से नेपाल व बिहार के लिए परिवहन सेवा शुरू होने की उम्मीद है। 2.5 एकड़ के विस्तृत क्षेत्रफल के केंद्र में बन रहे बस अड्डे के मुख्य भवन में प्रतीक्षालय, ब्लॉक रूम, वीआईपी रूम, गवर्नमेंट्री महिला व पुरुष ऑफिस, एआरएम रूम, ड्राइवर विश्रामालय, शॉप रेस्टोरेंट आदि बनकर तैयार हैं। विधानमंडल का मॉनसून सत्र 17 से 18 को पेश होगा चालू वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र 17 अगस्त से होगा। 24 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 18 को चालू वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले का यह अंतिम सत्र होगा। 24 अगस्त तक चलने वाले कुल 7 दिन के एक सत्र में 4 दिन अवकाश रहेगा, यानी सिर्फ 3 दिन ही विधान भवन में चर्चा होगी। यूपी के 7.5 लाख मानदेय कर्मियों का योगी सरकार बढ़ा सकती है मानदेय। विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, योगी सरकार की कोशिश है कि हर व्यक्ति की झोली भर दी जाए। योगी सरकार यूपी के 7.5 लाख मानदेय कर्मियों का मानदेय बढ़ा सकती है। अनुपूरक अनुदानों में मानदेय बढ़ाने के लिए बजट बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा सकता है। इस पर विचार विमर्श चल रहा है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री व कैबिनेट के स्तर से होना बाकी है। यूपी के 3 लाख युवाओं को बनाया जाएगा हुनरमंद, 41,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। व्यावसायिक शिक्षा के साथ कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सूबे के 3 लाख युवाओं को 6 माह में हुनरमंद बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, उनकी आय बढ़ेगी और प्रदेश में विकास की गति तेज होगी। हेल्थ सेक्टर, ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर, उद्योगों में व्यवहारिक प्रशिक्षण युवाओं को देने की शुरुआत हो गई है। युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार के अवसर देने के लिए जल्द ही 25 जिलों में मेगा प्लेसमेंट शिविर भी लगाए जाएंगे। कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिए 41,000 से अधिक युवाओं को जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, क्रिटिकल केयर, कोविड फ्रंटलाइन वर्कर, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया है। यूपी एसएसएससी पीईटी की डेट, एसएससी सीजीएल समेत इन परीक्षाओं से टकराई, परेशान उम्मीदवार कर रहे तारीख बदलने की मांग। यूपी एसएसएससी पीईटी परीक्षा 2021 और एसएससी सीजीएल टीयर 1 परीक्षा 2020 की तिथियां टकराने से सैकड़ों उम्मीदवार परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी एसएसएससी पीईटी परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त को होना है, जबकि इसी दिन एसएससी सीजीएल टीयर 1 की परीक्षा भी होनी है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 की परीक्षा 13, 16, 17, 18, 20, 23 और 24 अगस्त को निर्धारित की गई है। यूपी एसएसएससी पीईटी के लिए करीब 20.73 लाख और एसएससी सीजीएल के लिए करीब 19.93 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़ा पहरा, खुफिया एजेंसी अलर्ट।
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर निगेबानी तेज कर दी गई है। सिद्धार्थनगर और महाराजगंज सीमा से 152 किलोमीटर जुड़े नेपाल बॉर्डर पर पेट्रोलिंग तेज कर दी गई। डॉग स्क्वाड से भी नेपाल से आने वाली सभी सामानों की जांच कराई जा रही है। इस दिन नेपाल से आने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। इसके बाद भी दुर्गम क्षेत्र में एसएसबी का सख्त पहरा है। अमिताभ ठाकुर ने किया सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान। रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर एक बार फिर से अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं। अमिताभ ने सीएम योगी के खिलाफ यूपी विधानसभा 2022 चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अमिताभ ने ट्वीट कर कहा कि कल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर करने के बाद से तमाम साथी लगातार मुझे उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। सभी बातों पर गंभीरता से विचार कर मैंने निर्णय लिया है कि वे जहां से भी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, मैं निश्चित रूप से उनके विरुद्ध चुनाव लड़ूंगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महाराजा एक्सप्रेस से आएंगी अयोध्या, रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महाराजा एक्सप्रेस की प्रेसिडेंशियल स्वीट में सफर करेंगे। इसी दिन ट्रेन से राष्ट्रपति अयोध्या आएंगे और वापस भी लौटेंगे। शुक्रवार को प्रेसिडेंशियल ट्रेन चलाने को लेकर रेलवे बोर्ड ने महाराजा एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है। ये रैक दिल्ली से लखनऊ खाली आएगा। यहां से राष्ट्रपति अयोध्या रामलला के दर्शन को जाएंगे। सरकार अगले साल खत्म कर सकती है फ्यूल सब्सिडी। कभी सरकारी खजाने पर 1.64 लाख करोड़ आता था बोझ। केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष में फ्यूल सब्सिडी खत्म कर सकती है। कभी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान फ्यूल सब्सिडी पर 1.64 लाख करोड़ रुपए खर्च होता था। वित्त वर्ष 2020-21 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान ये खर्चा घटकर 12,231 करोड़ रुपए हो गया। एनसीआर के उद्योगों में पीएनजी इस्तेमाल का आदेश। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 3 राज्यों से मांगा एक्शन प्लान। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी चिन्हित औद्योगिक इकाइयों का संचालन पाइप्ड प्राकृतिक गैस से करने के लिए एक समयबद्ध एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। गुरुवार को जारी निर्देशों के अनुसार आयोग ने 3 राज्यों को एनसीआर में औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी की सप्लाई के लिए एक एक्शन प्लान बनाने के लिए भी कहा, जहां बुनियादी ढांचा और गैस की सप्लाई उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत सहायक भर्ती आज 15 को जारी होगी आवेदन करने वालों की लिस्ट। 17 अगस्त से भर सकते हैं आवेदन फॉर्म। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की भर्ती के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के जिला पंचायत राज अधिकारी स्वामीशील सिंह ने बताया कि भर्ती के लिए जितने भी आवेदन आए उनकी सूची तैयार कराकर ग्राम पंचायत के पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय व जिला स्तर पर चस्पा कर दी जाएगी। इस सूची को आवेदक देख लें, अगर किसी का नाम छूटा है तो आवेदन कर सकेगा। अंतिम तिथि 17 अगस्त है। हाईकोर्ट के फैसले से 437 गन्ना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। प्रदेश में गन्ना पर्यवेक्षकों की सेवा नियमावली में दी गई अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियुक्त की जाएगी। इस बारे में हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को आदेश जारी किया। विस्तृत जानकारी देते हुए गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के अधिकाधिक रोजगार सृजन के लिए पारित निर्देशों के क्रम में गन्ना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने के लिए 437 पदों के लिए अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया था। विभाग द्वारा प्रस्तुत आधारों और तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए विभाग के पक्ष में फैसला दिया, जिससे उक्त 437 पदों पर गन्ना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।